नमस्कार दोस्तों, फ्री कुकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। सैलेड के क्लास में सोयाबीन सैलेड की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। यह सैलेड वेट को लॉस करने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सैलेड बनाने के लिए मैंने आधा कप सोया चंक्स को गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ दिया था। 1 घंटा हो गया है, अब मैं इसको कुक करूँगी। सोया चंक्स को पानी में से निचोड़ते हुए मैं इसको गरम गरम पानी में डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच नमक डालना है। सोया चंक्स को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करना है। 2 से 3 मिनट हो गए, मैंने गैस को बंद कर दिया है। सोया चंक्स कुक हो गए हैं, इन्हें पानी से अलग करने के लिए मैं इन्हें छलनी में डाल रही हूँ। छलनी में करने के बाद सोया चंक्स को ठंडा करने के लिए रखना है। ठंडा हो जाने के बाद इन्हें निचोड़ना है, इसमें जो पानी होगा वह पानी अलग हो जाएगा। सोया चंक्स ठंडे हो गए हैं, इनको मैंने निचोड़ लिया है। इसमें जो पानी था वह पानी निकल चुका है पूरी तरीके से। सैलेड बनाने के लिए मैं सोया चंक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूँगी। अगर आपके बच्चे सैलेड में सोया चंक्स खाना पसंद नहीं करते हैं, इस रेसिपी को बनाने के बाद आपके बच्चे भी सोया चंक्स खाना पसंद करेंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है सोयाबीन से बना हुआ सैलेड। यह देखिए, हमने सोयाबीन को कट कर दिया है। पैन में मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच ओलिव ऑयल। चॉप्ड सोयाबीन को डालना है पैन में। हाई फ्लेम पर मैं सोयाबीन को 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करने से सोयाबीन क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। रोस्टेड सोयाबीन से सैलेड और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अगर आप सोयाबीन को रोस्ट नहीं करना चाहते तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। सोयाबीन के हल्का सा क्रिस्पी हो जाने के बाद मैं कर रही हूँ गैस को बंद। मैं सोयाबीन को एक बाउल में करूँगी ठंडा होने के लिए। सैलेड बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। बाउल में मैं डाल रही हूँ ठंडे करके रोस्टेड सोयाबीन। आधा कप पतले लंबे स्लाइस में कटी हुई गाजर ले रही हूँ। आधा कप टुकड़ों में कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप लाल, पीली, हरी तीनों ले सकते हैं या फिर कोई से भी एक कलर की ले सकते हैं। आधा कप कटी हुई पत्ता गोभी ले रही हूँ। पत्ता गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आधा कप छोटे टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर ले रही हूँ। टमाटर को काटते समय टमाटर के बीज निकाल देने। 1/4 कप छोटे स्लाइस में कटा हुआ चकुंदर। चकुंदर को आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 कप कटा हुआ पुदीना। पुदीने से सैलेड में अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। आधा कप गाढ़ी दही ले रही हूँ। अगर आपकी दही पतली है तो उसका पानी निकाल देना है। आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। आधी छोटी चम्मच मिक्स हर्ब, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इससे सैलेड में अच्छा फ्लेवर बनकर आता है। 1/8 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। 1/8 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। 1/8 छोटी चम्मच काला नमक। आधी छोटी चम्मच सफ़ेद नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1/2 बड़ा चम्मच नींबू का रस। 1/2 बड़ा चम्मच शहद। शहद को स्किप करके आप मैपल सिरप ले सकते हैं। मार्केट जैसा टेस्टी सैलेड बनाने के लिए इसमें डालना है 1 छोटी चम्मच ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल को आप स्किप कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट डालने के बाद मैं इन सबको कर रही हूँ आपस में मिक्स। मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा टेस्टी वेट लॉस हेल्दी सैलेड बनकर तैयार हो जाएगा। यह सैलेड देखने में जितना ज़्यादा यम दिखाई देता है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा सुपर है। सैलेड को खाने के बाद आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगने वाली है। यह टेस्ट में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करोगे। सैलेड के बन जाने के बाद इसको टेस्ट करना है। सैलेड को कितना खट्टा कितना मीठा रखना है, यह आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। मुझे अपने सैलेड में नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। सैलेड को थोड़ा सा खट्टा करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और डाल रही हूँ। सैलेड की खटास और मिठास आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। मार्केट या शादी में जो सैलेड मिलता है उसमें मेयोनीज भी मिक्स होती है, जो सैलेड को टेस्टी बनाती है। अगर आपको सैलेड के फ्लेवर को रिच बनाना है तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच मेयोनीज डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं हेल्दी सैलेड बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें मेयोनीज नहीं डाल रही हूँ। हमने अपने इस सैलेड को इस तरीके से बनाकर तैयार किया है कि यह बिना मेयोनीज के भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सैलेड के रेडी हो जाने के बाद अब मैं इसके प्लेटिंग करूँगी। सैलेड की क्लास में और सभी रेसिपी की तरह अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सैलेड के क्लास की आने वाली अगली न्यू रेसिपी हम आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।